हेलो, कहाँ रह गए? कितने टाइम से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे पापा, बस गाड़ी पार्किंग में लगा रहा था, आ रहा हूँ। एक तो तुम यूएसए इतने सालों बाद आए हो, और जब हम मिल रहे हो तो तुम लेट हो गए। तुमने तो मुझे एयरपोर्ट भी नहीं आने दिया पिक करने के लिए। ये कैसी बातें होती है? पापा बस नीचे ही हूँ, आ गया। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ नीचे। ठीक है, बाय। रोहन, ये सब क्या है? और तुमने कभी मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो दरअसल मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? नहीं, मैं बताने वाला था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। और सच कहूं तो मुझे लगा कि ये बात सामने से करना ज्यादा बेटर होगा। रोहन, हमारी शादी होने वाली है, तुम इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं छुपा सकते। आई नो पायल, आई एम सॉरी। तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। अब बताओ कैसे हुआ ये सब? तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बोलो। पायल, वो यहाँ आने से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगा। और ये सब तुम मुझे कब बताने वाले थे? रोहन, तुम भूल जाते हो क्या? हमारी शादी होने वाली है, तुम ये सब बातें, इतनी जरूरी बातें मुझसे नहीं छुपा सकते। हाँ पायल, इसलिए मैं आज यहाँ तुमसे यही कहने आया हूँ कि हमें रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। क्या? हाँ पायल, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता, और तुम अगर एक डिसेबल्ड आदमी से शादी करोगी तो तुम अपना पूरा फ्यूचर खराब कर लोगी। कैसी बातें कर रहे हो रोहन? देखो पायल, ये डिसीजन हम दोनों के लिए बेस्ट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये सब चीजें शादी के बाद होती तो तब भी तुम्हारा यही डिसीजन रहता? पायल देखो, तुम समझ नहीं रही हो, शादी के बाद का तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है ना, लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारे सामने है, तुम डिसाइड कर सकती हो, और तुम्हारे पर कोई प्रेशर भी नहीं है। अब तुम मेरी बात। पायल, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बर्डन आ जाएगा, तुम इतना सब कुछ कैसे मैनेज करोगी? शायद तुम सही बोल रहे हो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तुम खुद ही सोचो, तुम एक डिसेबल्ड आदमी के साथ कैसे रह पाओगी? लोग ताने देंगे तुम्हें, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा तुम्हें। रोहन, तुम ठीक बोल रहे हो, तुम्हारे डिफरेंटली एबल्ड होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और तुम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे मेरे लिए। हाँ पायल, इसीलिए हमें ये रिश्ता और ये शादी यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो, हम सब ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं सब मैनेज कर लूँगी, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज जिद मत करो, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे ऊपर बहुत बर्डन बढ़ जाएगा, तुम कैसे मैनेज करोगी इतना कुछ? मैं कर लूंगी। पायल, तुम्हारे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, और मैं तुम्हारे साथ उन सब में खड़ा नहीं रह सकता हूँ। इट्स ओके। पायल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम्हारे साथ चार कदम भी नहीं चल सकता हूँ। तो मैं तो चल सकती हूँ ना, बट आई बी हैप्पी दैट यू विल बी विद मी। Are you sure you really want to do this? Yes. Payal, एक मिनट। क्या तुम तो बिल्कुल ठीक हो? हाँ Payal, वो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। तो तुम इतने देर से ड्रामा कर रहे थे? हाँ Payal, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मैं जिस इंसान से शादी कर रहा हूँ वो मेरा लाइफ पार्टनर बनने के लायक भी है या नहीं। मतलब ये कि अभी कुछ महीने पहले मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, अभी साल भर पहले उसकी शादी हुई थी, और उस एक्सीडेंट में वो डिसेबल्ड हो गया। इस इंसिडेंट के बाद उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया। तो इसका क्या लेना देना है इससे? मैं चेक करना चाहता था कि कहीं तुम भी तो उसकी वाइफ की तरह नहीं हो। तुम मुझे ऐसी लड़की समझोगे कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो मेरे बारे में यार? तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे सही टाइम पे तुम्हारे साथ दूंगी और तुम्हारे बुरे टाइम पे तुम्हें छोड़ दूंगी? मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था,
I'm really sorry. मेरा ऐसा कोई intention नहीं था. Rohan, this is not fair. तुम्हें पता है ना how much I love you. और तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? Fine. I'm really sorry. और मैं promise करता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा. पक्का. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.